अरे बाप रे, बहुत ज्यादा माल भरा हुआ है इस डब्बे के अंदर। ये है CMF फोन 1 का रिव्यूअर्स बॉक्स और आपको बहुत सारी चीजें बतानी है इस फोन के बारे में। फोन तो होगा लेकिन साथ में क्या क्या एक्सेसरीज होगी और बैक केसेस को लेकर क्या क्या सीन है, आज सब कुछ यहां पर क्लियर कर देंगे। ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि CMF फोन 1 के बारे में आपका क्या ख्याल है। फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पर एक पर्ची है, उन्होंने हमें दिया है सेपरेटली। वंडरफुल डिज़ाइन और हेलो और सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, इसको रखते साइड में। और अगर आप देखोगे तो बॉक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं, पहले तो हमारा ये जो रिटेल बॉक्स है जो आपको इस तरीके का मिलेगा। सैडली यहाँ पर बॉक्स में चार्जर नहीं है, अभी एक बजट सेंट्रिक फ़ोन है, अंडर 20,000 है, चार्जर एटलीस्ट इसमें तो देना चाहिए था। हमें पता है नथिंग के फोन्स में बॉक्स में चार्जर नहीं होता है, बट एटलीस्ट इसमें तो कहीं ना कहीं उनको चार्जर देना चाहिए था, जो ये मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी एनीवेज उसके अलावा आप देखेंगे आपको एक स्टैंड यहाँ पर मिलता है जिसके अंदर आप फोन के पीछे जो रोटेटिंग नॉब है उसमें अटैच कर सकते हैं। वर्टिकल या लैंडस्केप जैसे आपको टेबल पर रख के इसका इस्तेमाल करना है आप वैसे कर सकते हैं। आपको लैंडयार्ड मिलता है, आपको पुराने नोकिया फोन्स की याद दिला देगा, हम साथ में एक डोरी लगा के घूमते थे, वैसे ही आप अपने इस वाले फोन में उस कोने वाले हिस्से में इसका इस्तेमाल करके मजे ले सकते हैं। आपको यहाँ पर एक कार्ड केस मिलता है, अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट कार्ड्स है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिफिकेशन है, वो सारे के सारे आप इस कार्ड केस को फोन के पीछे अटैच करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पर यह है इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है सारे केस। आपको यहाँ पर फोन जब मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स तो वो ब्लैक कलर में मिलेगा। अब वैसे डिपेंड करता है, हमें जो फोन आया वो ब्लैक कलर का आया, लेकिन साथ ही साथ आपको तीन डिफरेंट और भी कलर्स देखने को मिलते हैं। एक लाइट ग्रीन है जो आपको पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ मिलता है, एक ब्लू कलर है जो आपको वीगन लेदर में मिलेगा और एक ऑरेंज कलर है, ये भी आपको वीगन लेदर में मिलेगा। अब यहाँ पर इनके अंदर आपको अलग से एक्सेसरीज भी दी गई है, स्क्रूज है, स्क्रू ड्राइवर है, रिंग राउंड है, सिम ट्रे है, वो सारे के सारे चीज़ें आपको आगे पता चलेगा कि उनका क्या काम है और कैसे बैग को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सरप्राइज है, अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ से एक ड्रॉवर है, बाहर निकालते ही कुछ और एक्सेसरीज हमारे सामने आ गई है। ये है इनका बर्ड्स प्रो 2, ये भी साथ में लॉन्च हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें भी आपको इसके थोड़े बहुत फीचर्स दिखा दूंगा, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये है यहाँ पर वॉच प्रो 2, ये भी लॉन्च हुआ है, इसमें भी कुछ आपको फीचर्स है जो स्क्रीन पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर ये देखेंगे अलग से जो है उसका बीजल और स्ट्रैप्स वगैरह दिया गया है, और 33 वॉट का अडैप्टर यहाँ पर अभी दिया गया है, लेकिन आपको बॉक्स में नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो है। अच्छा, इन सबको रखते हैं में और सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ। रिटेल बॉक्स को ओपन करते हैं, देखेंगे आपको यहां पर सबसे पहले आपका फोन मिलता है, इसको यहां से निकाल लेते, चल ऐसे निकल गया, ठीक है। ये देखेंगे ब्लैक कलर में है, डिजाइन के बारे में आगे बात करते हैं। उसके अलावा बॉक्स में आपको देख देंगे तो यहां पर टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता है, सिम इजेक्टर पिन, कुछ कागजात, बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। अब फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे आपको जो हमारे पास आया है आउट ऑफ द बॉक्स ही ब्लैक कलर है, ये पॉलीकार्बोनेट है जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रेम्स के साथ पूरा अटैच्ड है, ये पूरा फ्रेम भी आपको पॉलीकार्बोनेट में मिलता है। और साथ ही साथ डिजाइन वाइज ये डिसेंट है दिखने में, मतलब आपको इंटरचेंजेबल बैक मिलता है तो वो आपको आगे बताऊंगा, आप अलग अलग कलर्स में चेंज कर सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छा है। मतलब जैसे कि अगर आपको महीनों में चेंज करना है, आपको थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए तो उसके लिए सही है, कभी गलती से आपका ये बैक पैनल टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको कहीं सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे ये सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल प्रोसेस है जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है। बाकी आपको IPX2 रेटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, तो ये अच्छा है, फास्ट रिस्पॉन्सिव है। हैप्टिक्स के लिए एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया है, मुझे हैप्टिक्स अच्छे लगे बट कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि वॉल्यूम बटन्स में यहाँ पर हैप्टिक्स हमने नोटिस नहीं किया, बाकी ओवरऑल फोन के अंदर हैप्टिक्स काफ़ी अच्छे, क्योंकि अलग से उन्होंने जो लीनियर मोटर दिया है वो काम करता है। वैसे आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर्स नहीं है, पता नहीं उन्होंने सिर्फ मोनो दिया है, स्टेरियो यूज़ नहीं किया है। अभी इस प्राइस रेंज पे तो हमें सभी फोन्स पे ज़्यादातर डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, और आपको डुअल माइक यहाँ पर देखने को मिलता है, हाइब्रिड स्लॉट यहाँ पर दिया गया है, और नीचे जैसे कि मैंने बताया ये रोटेटिंग नॉब है। ब्रांड ने यह भी बताया कि तीन एक्सेसरीज तो फिलहाल के लिए है, लेकिन बाद में आगे और भी अलग अलग एक्सेसरीज वो लोग लेके आएंगे। बॉक्स में जितने भी कंटेंट आपको बताया, बैक केस, एक्सेसरीज, इनके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ये बॉक्स के साथ बंडल अभी आएगा नहीं आएगा, ऑफर क्या चल रहा है फिलहाल के लिए मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसमें अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर बैक कैसे ओपन होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो CMF सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है, हम आपको रिप्लेस करके बताएंगे ये जो बैक पैनल है ब्लैक कलर का जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिला था, इसके
तीन अलग अलग कलर्स आपको मिलते हैं चेंज करने के लिए, जैसे कि लाइट ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, क्या पता फ्यूचर में और भी कलर्स हो। तो यहाँ पर ये बॉक्स जो आता है बैक केस का, उसके लिए आपको डेफिनेटली अलग से पैसे देने पड़ेंगे। और इस तरीके का बॉक्स होता है, उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर मिलता है, आपको अलग से स्क्रूज मिलते हैं, नॉब मिलता है और सिम ट्रे मिलता है। मतलब ये सारी चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी जब जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे, 1, 2, 3 और 4 स्क्रूज आपको मिलते हैं। पहले तो हमने जब वीडियो में देखा था, जो उन्होंने टीज किया था, तो वो एक स्क्रू था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक स्क्रू ओपन करते काम हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं है। और यहाँ पर ये जो नॉब है इसको भी निकालना पड़ेगा और सिम ट्रे को भी आपको निकालना पड़ेगा। और ये देखेंगे इस तरीके से स्क्रूज को हम अनस्क्रू करते हैं फटाफट से। ऑन एवरेज एक बार मैं टाइमर लगा के आपको बता ही देता हूँ कि कितना समय लगता है, आपको पता चल जाएगा। मतलब 2 मिनट लगता होगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता होगा। तो क्विकली ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने चारों स्क्रूज को निकाल दिए हैं। ऑन एवरेज सुमित ने बताया कि 1 मिनट 49 सेकंड्स, मतलब 2 मिनट के आसपास लगता है पहले स्क्रूज को निकालने के लिए। फिर आपको ये नॉब जो है इसको ये सुमिल करके बता, भाई मेरे को आता ही नहीं, नॉब को पूरा गोल गोल घुमाना पड़ता है इस तरीके से, आप देखेंगे ऐसे करके पूरा बाहर आ जाता है। और फिर जो सिम ट्रे, उसके भी उन्होंने सिम इजेक्टर पिन इसी के साथ में दिया है स्क्रू ड्राइवर में। तो यहाँ से आपको सिर्फ दबा के इसको भी निकालना है। अब आपको थोड़ा सा शार्प नेल रखना है, या आपके पास अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो तो सही है। और ये पुराने ज़माने के नोकिया के फ़ोन की मुझे याद दिला दे। देखेंगे ये ओपन हो चुका है इसका बैक पैनल, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन एनीवेज फ़ोन आपको कुछ वैसे दिखेगा अंदर से। अब यहाँ पर जो भी आपको बैक पैनल चाहिए, जो आपको परचेस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ब्लू ठीक लग रहा है या ऑरेंज, मैं ऑरेंज लगा देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, लेना है इस तरीके से और ये अटैच हो चुका है। फिर अगर आप चाहो तो पहले सिम ट्रे ऑरेंज वाला हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है, बॉक्स में से निकला था, तो हमने यहाँ पर ये सिम ट्रे लगा दिया। और सीधा आपको नॉब लगाना है और इनको स्क्रूज करना है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इसमें है इंडियाज फर्स्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 5G चिपसेट। ये भी आपको 4nm पर मिलती है, जैसे कि डायमेंसिटी 7200 है। और मुझे ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि ये वाली चिपसेट अच्छी है या डायमेंसिटी 7200। कन्फ्यूजन आज दूर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको मिलता है 2.5 GHz वाला CPU, कॉर्टेक्स A78 कोर्स लगे हुए। डायमेंसिटी 7200 में 2.8 GHz है और वहाँ पर कॉर्टेक्स A715 वाले कोर्स है। जो उसमें कॉर्टेक्स A715 वाले कोर्स से, वो ARMv9 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और यहां पर जो कॉर्टेक्स A78 है वो आपको ARMv8 आर्किटेक्चर पर मिलते हैं। और इसके और उसके सीपीयू स्कोर्स भी अगर आप देखते हो Antutu के, तो वो 7 लाख के ऊपर है, ये आपको 6.5 लाख का मिलता है। मतलब मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीपीयू देखा जाए तो डायमेंसिटी 7200 आपको इससे थोड़ा सा बेटर मिलता है। लेकिन याद रहे, डायमेंसिटी 7300 स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 से आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 में 5.5 लाख का स्कोर है, इसका 6.5 लाख है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 2.2 GHz पर है, तो ये 2.5 GHz पर है। और दोनों के कोर्स देखा जाए तो वही A78 आपको देखने को मिलते हैं। बाकी GPU की बात करें तो डायमेंसिटी 7300 में आपको माली G615 वाला GPU मिलता है, जो कि डुअल कोर वाला है। और डायमेंसिटी 7200 में आपको माली G610 वाला GPU मिलता है, जो कि 4 कोर वाला है। तो यहां पर 2 कोर है, तो डायमेंसिटी 7200 में 4 कोर है, लेकिन इसका वर्जन उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलता है। तो यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर GPU की बात करते हैं। हमने यहां पर VGA में अल्ट्रा पर सेट करके खेला, कोई इश्यूज नहीं थे। कॉल ऑफ ड्यूटी हाई पर सेट करके खेला, गेमिंग में ज्यादा हमने कोई कमी नहीं देखी। यहां पर आपको CPU थ्रॉटल भी अच्छा मिलता है, 89%, जो बहुत अच्छे स्कोर्स थे। और ये चिपसेट ज्यादा गर्म भी नहीं होती, काफी अच्छा काम किया गया है अगर थर्मल्स की बात करते हैं। LPDDR4X UFS 2.2 आपको मिलता है। अगर UFS स्टोरेज का स्कोर देखते हैं तो डिसेंट साइड पर यहां पर है। ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग स्मूथ है, फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, ऑल थैंक्स टू नथिंग OS। जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहां पर मिलेगा वो अच्छा है। बस जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा किया उन्होंने कि OnePlus की तरह Snapdragon 695 नहीं दिया। डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एक LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलती है। आपको पंच होल सेंटर में है, छोटा मिलता है। स्क्रीन गार्ड यहाँ पर नहीं लगाई गई है, और कौन सा डिस्प्ले पे प्रोडक्शन है इसके बारे में भी फिलहाल के लिए कुछ पता नहीं है। और चिन भी आपको डिसेंट मिलती है, इनफैक्ट लेफ्ट और राइट के भी बेजल्स यहाँ पर डिसेंट है, कुड हैव बीन बेटर। बाकी 120Hz की आपको हाईर रिफ्रेश रेट मिलती है और बहुत स्मूथ चलता है, ऑल थैंक्स टू नथिंग OS, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा जब आप स्वाइप्स करते हैं। बाकी 2000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, इंडोर के साथ साथ आउटडोर विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। और मैं एक चीज ऑनेस्टली कहता हूँ, उसका पैनल बहुत अच्छा है, काफी ब्राइट है, आउटडोर में भी बहुत अच्छा काम करता है। HDR 10 प्लस का आपको सपोर्ट है, पिक्चर और वीडियो क्वालिटी इसमें काफी अच्छी निकल कर आती है। और 960Hz आपको PWM DC डिमिंग भी देखने को मिलता है, ज्यादा लो फ्लिकरिंग के इश्यूज भी हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया। अब फ्लैट डिस्प्ले, ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका काफी अच्छा होने वाला है।
सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसमें है नथिंग ओएस 2.6। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर उन्होंने इस्तेमाल किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। नथिंग ओएस अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है, मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पर आपको विजेट्स कस्टमाइज़ करने हैं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइज़ करना है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स वैसे दिए गए हैं। और साथ ही साथ आपको AI जेनरेटिव वॉलपेपर मिलता है, अगर आपको डुअल वॉलपेपर्स को मिक्स करके एक अलग से वॉलपेपर सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई ब्लॉट प्रेस नहीं है, कोई एड्स नहीं है, ग्लैंड्स वगैरह आपको नहीं दिखेगा, तो वो सही है। बस हमने नथिंग एक्स और जी पे ये दो ही ऐप्स ऐसे एक्सटर्नल देखे, उसके अलावा हमने कोई फालतू के ऐप्स यहाँ पर नोटिस नहीं किया। 2 साल के ELDOS अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये एंड्रॉइड 14 पर है तो आपको 2 साल के अपडेट्स आएंगे, तो एंड्रॉइड 16 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो अच्छा है बजट के हिसाब से कि 2 साल तक आप इस फोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। बाकी आपको गूगल डायलर मिलता है, तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो वो बीप के साथ वैसे आपको करना है तो आप वो कर सकेंगे। ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्मूथ है, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा। कैमरे की बात करते हैं, डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी जिसमें आपको EIS मिलता है, OIS यहाँ पर नहीं है, और साथ ही साथ आपको सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल है, अल्ट्रावाइड सेंसर यहाँ पर नहीं मिलता है। वैसे आपको 4K वीडियो शूट करने मिलता है मैक्स 30 FPS पे, और जो कैमरा है इसमें जो सोनी सेंसर लगा हुआ है वो स्पेसिफिकली बताया नहीं है, सिर्फ उन्होंने सोनी मेंशन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये IMX882 यहाँ पर हो सकता है। बाकी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर मैक्स फुल HD 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, और स्लो मोशन 120 FPS पे मिलते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के स्लो मोशंस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बजट पे मैं बहुत कम वैसे फोन देखा हूँ जो अच्छे स्लो मोशन वीडियोस लेते हैं, और ये उनमें से एक है। साथ ही साथ कैमरे में आपको एक नेचुरल और विविड ऑप्शन मिलता है, अगर आपको नेचुरल लेना है विविड लेना है तो 1 टैप में आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और उसी के अलावा आपको पोर्ट्रेट में 26mm और 52mm 1x और 2x का जूम दिया गया, तो इसकी भी पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो अच्छा है, जो बजट में अक्सर नहीं होता है बट यहाँ पर उन्होंने वो चीज़ दिया है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी डे में काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अब रेनी सीजन है तो मैं ज़्यादा जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन स्टिल डायनामिक रेंज अच्छा है, साथ ही साथ ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे हैं। बट ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स में एक इशू हो जाता है कि कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही सेम चीज़ मैंने नथिंग फोन 2A में देखा था, कहीं ना कहीं इसका कैमरा उससे बहुत मिलता जुलता है, बट वहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट को फिक्स कर दिया था। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी एक अपडेट आ जाए तो ये इशू फिक्स्ड हो जाए। बाकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है, ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थे। सेल्फी भी अच्छी है, सेल्फी में शार्पनेस, सेल्फी में बुके, सब कुछ अच्छा निकल कर आया है, मुझे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट जो वीडियो क्वालिटी है डे की, रियर में और सेल्फी दोनों आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टेबल वीडियोस निकाल सकते हैं, और कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक रेंज सब कुछ अच्छा निकल कर आया है। लेकिन नाइट में यहाँ पर थोड़ा सा ये फ़ोन मार खा जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लैर्स आते हैं रियर कैमरास में अगर आप देख सकते हैं, और सेल्फी में भी कुछ वैसी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको फिक्स्ड करना चाहिए क्योंकि पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर ख़राब हो रही है, और नाइट के वीडियो भी इतने खास नहीं है, तो मैं आपको वीडियो रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बस डे के फोटोज़ अच्छे निकल कर आ जाते हैं, बट नाइट में कहीं ना कहीं उनको चेंजेस करना पड़ेगा। बैटरी की बात करेंगे, 5000mAh की आपको बैटरी मिलती है और 33W की यहाँ पर चार्जिंग मिलती है, जहाँ पर आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, और साथ ही साथ इसको आप 45 मिनट्स के अंदर 0 to 100% फुल चार्ज कर सकते हैं। बट बैटरी बहुत अच्छी है, हमने जितना भी टेस्ट किया है बहुत अच्छा बैकअप दे रही है, 1 दिन पूरा बैकअप आपको मिल रहा है। मैं रिव्यू का वेट कर रहा हूँ, जब रिव्यू करेंगे तो स्ट्रेस टेस्ट करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें 9 5G बैंड्स मिलते हैं, डुअल सिम 5G सपोर्ट करता है, हमने सिम कार्ड लगाकर चेक किया है, नेटवर्क स्टेबिलिटी सब कुछ अच्छा है, डाउनलोड करके भी देखा कोई कमी नहीं है। आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, वाइडबैंड L1 है, कैमरा 2 API, वाईफाई 6 और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। अब जाते जाते बात करते हैं मेरे ओपिनियन की और प्राइस की, तो आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 8GB RAM, 256GB स्टोरेज। जो बेस वेरिएंट है जहाँ तक मुझे पता चला है वो 17999 से स्टार्ट होगा, और उस पर आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगे तो जो उसकी इफेक्टिव प्राइस है वो 15999 की हो जाएगी, 16,000 पर बैंक ऑफर्स के साथ आपको वो मिल सकता है। एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, शायद मैंने यहां पर गलत भी बोला हूं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लेकिन डेफिनेटली ये 15,000 से 20,000 के बीच में आपको मिलता है। अब सबसे पहली चीज तो मैं बोल दूं कि डेफिनेटली ये जो बैक चेंज हो रहा है ये कुछ अलग है, कुछ नया है, कोई ब्रांड नहीं करती, इन्होंने एटलीस्ट कुछ नया हमें दिया है, ये रोटेटिंग नॉब से आपको अलग अलग एक्सेसरीज का सपोर्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं चीज उन्होंने आज करी है अलग जो दूसरी ब्रांड नहीं करती। सेम ओल्ड डिजाइन के साथ ब्रांड्स लेके आती है, एक TPU केस लगा दो या बैक केस लगा दो,
लेकिन यहाँ पर पूरा बैग निकाल सकते हैं आप, अलग अलग आपको केसेस मिलते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। हाँ, कमियाँ हैं, जैसे कि अल्ट्रावाइट सेंसर यहाँ पर नहीं है, आपको मोनो स्पीकर दिया है, बैटरी में जो चार्जिंग है 33 वॉट वो कुड हैव बीन बेटर, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं, कैमरे में OIS नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो अप्रिशिएटिंग यहाँ पर है। चिपसेट भी अच्छी यूज़ किया, डायमेंशन 7300, कैमरा भी कहीं ना कहीं अच्छा उन्होंने सेंसर दिया है तो काम अच्छा कर रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये भी है। बाकी ओवरऑल ये फिलहाल के लिए हमारा सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग है, अगर रिव्यू रहेगा तो आपके लिए हम लेके आएंगे। और आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताइए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।